हमें लूकस के सुसमाचार की अध्याय एक उसके वाक्य 34 और 35 में एक महत्वपूर्ण वचन पढ़ने को मिलता है। वहां पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मां मरियम के सामने स्वर्गदूत गब्रियल आता है और उनका प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी, आप उसका नाम ईसा रखेंगी, वो महान होंगे, सर्वशक्तिमान का पुत्र कहलाएगा, वो अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर राज्य करेगा, उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। इन सारी बातों को सुनने पर मरियम घबरा जाती है और मरियम ने स्वर्गदूत से एक सवाल किया। मरियम ने पूछा, यह कैसे हो सकता है, मेरा पुरुष के साथ कोई संसर्ग नहीं है, मैं पुरुष को नहीं जानती हूं। स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो मरियम ने स्वर्गदूत से पूछा, यह कैसे हो सकता है? मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में भी कभी कभी या अक्सर हम ये सवाल किया करते हैं, यह कैसे हो सकता है। हमारे जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े सपने होते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं होते हैं, अपने हृदय में बहुत सारे इरादे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे सामने ये सवाल भी होते हैं, यह कैसे हो सकता है। मेरा पति शराबी है, 18 साल से शराब पी रहा है, उसके शरीर में नशा भर गया है, उसके रक्त में शराब भर गया है, कैसे वो शराब छोड़ सकता है? मैं इतने दिन से पढ़ रहा हूं, मेरी बुद्धि में कुछ घुसता नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाता हूं, याद नहीं कर पाता हूं, परीक्षा के समय मैं याद नहीं कर पाता हूं, परीक्षा में मैं फेल हो जाता हूं, यह कैसे हो सकता है कि मैं पास हो जाऊं? मेरा शरीर जर्जर है, बीमार हो गया है, मैं डॉक्टर पर डॉक्टर बदलता जा रहा हूं, डॉक्टर बता रहा है इसका कोई इलाज नहीं है, यह कैसे हो सकता है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं? मैं इतने दिनों से नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूं, कहां कहां नहीं गया हूं, आज तक मुझे नौकरी नहीं मिली है अपनी इच्छा के मुताबिक, यह कैसे हो सकता है कि मुझे नौकरी मिल जाए? हमारे जीवन में ऐसे कई सवाल हैं। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में कई ऐसी बातें हैं जिसको हमने असंभव सोच रखा है, असंभव। हमारे मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय एक वाक्य 37 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 18 वाक्य 14 में प्रभु का वचन कहता है, क्या ईश्वर के लिए कोई भी बात कठिन है? तो हमारे मन में कई बातें ऐसी हैं जो हम सोचते हैं कि असंभव। हमारे सवालों का जवाब भी यही है, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, तब यह सारा कुछ संभव हो जाएगा। जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, तो आपके शरीर के अंदर जो नशा भर चुका है वो पूरी तरह से मिट जाएगा।